हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। ये देखिए मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, ये देखिए। और मैं आज आपको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जो फ्रूट के और वेजिटेबल्स के हैं, अपने गार्डन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और मेरे गार्डन में जो फ्लावर खिले हैं मैं उनको दिखा रही हूँ। और मेरा गार्डन कुछ इस तरीके से दिखता है। आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ पौधे दिखाती हूँ जो फ्रूट के हैं और वेजिटेबल्स के हैं, जो अपने गार्डन में ऐड कर। ये तुरई लगी हुई है और इधर ऊपर कद्दू लगा हुआ है। ये और ये कद्दू में इतने सारे फूल खिले हुए हैं। आप भी अपने गार्डन में कद्दू और तुरई वाले सब्जी बो सकते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो हुआ है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ है। ये देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये देखिए और इधर ये इतना बड़ा सा कद्दू का फूल खिला हुआ है। ये देखिए और इसकी जड़ यहाँ से है और ये तुरई की बेल है। और इसकी जड़ यहाँ से निकली हुई है, देखिए। और ये ढेर सारा इधर फैल गया है, ये देखिए। और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और ये ऊपर कद्दू लगा हुआ है। और इधर ये सेम का पेड़ लगा हुआ है, ये भी यहीं पे लगा हुआ है। ये भी आप अपने घर में सेम का पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाली सब्जियाँ अपने ग्राउंड में छत पे ज़रूर लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती हैं। अगर इनका सीड अच्छा है तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी और फल भी देंगे। ये देखिए ये अमरूद का प्लांट है और ये बहुत बड़ा वाला इसमें अमरूद आएगा। ये अभी छोटा है और इसको मलियाबाद से ग्रुप लाए थे प्लांट खरीद के, और अभी 3-4 महीने का हो गया है तो इसकी ग्रोथ बस इतनी सी है। और ये अमरूद का प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये दूसरा अमरूद का प्लांट है और ये देखिए ये अपने आप ग्रो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले अमरूद का प्लांट था, उसको काट दिया गया है और ये अपने आप ही ऐसे ग्रो हो गया है, देखिए। और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये दूसरा प्लांट है अमरूद का, इसमें छोटे अमरूद आते हैं लेकिन बहुत ही मीठे अमरूद आते हैं। अमरूद है ये लाल अमरूद है, इसमें लाल अमरूद की वैरायटी है। ये भी मलियाबाद से ग्रो किया गया था, खरीदा गया था प्लांट। इसकी अच्छी वैरायटी है, लाल अमरूद है। ये भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। का प्लांट है, इसको मैंने अभी इसी साल 2 महीने हो गए हैं तब मैंने लगाया था। ये छोटा सा प्लांट है और इसको मैंने नर्सरी से बाय किया था। ये देखिए इसका बड़ा भी प्लांट है, इसको मैंने काले अंगूर से कह के लिया था लेकिन अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं स्टार्ट है तो अभी पता नहीं किस कलर का अंगूर आएगा। ये भी अपने गार्डन में ज़रूर लगा। और ये अंगूर की पुराना अंगूर का प्लांट है, ये कटिंग से मैंने तैयार किया था। ये नीचे छत पे चला जाता है। ये
और ये अंगूर का प्लांट है छत पे, ये देखिए इधर से आया है और इसमें अंगूर तो लगते हैं काफ़ी। ये हरा अंगूर है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ये छत पे आके लगा हुआ है। ये देखिए ये भी अंगूर का प्लांट अच्छा है, इसे भी आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं और इसमें अंगूर लगते हैं। दो तीन चार साल का पुराना हो गया, इसको मैंने घर पे ही कटिंग से तैयार किया था क्योंकि एक पुराना अंगूर का प्लांट था मेरे घर पे, उसी से मैंने इसकी कटिंग लगाती थी और जिससे ये ग्रो हो गया था और काफ़ी अच्छा है ये अंगूर का प्लांट, बहुत अच्छे से इसमें अंगूर आते हैं। ये भी अपने गार्डन में अंगूर का प्लांट, और ये तुरई का प्लांट है, ये भी उसी बाल्टी में लगा था ये देखिए, और ये काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और काफ़ी अच्छा प्लांट है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस तुरई की, ये देखिए। ये वाली भी सब्जी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये अमरूद का प्लांट है, ये देखिए आम का प्लांट है, इसको मैंने बीच से ग्रो किया था और ये दो तीन साल का हो गया है और इसमें आम लगने भी लगे हैं। आम का भी प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये लोबिया का प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, मैंने बीच से ग्रो किया है और इसकी जड़ नीचे ग्राउंड में है, ये छत पर आ गया है और इस दो एक दो बार मैंने इसका लोबिया तोड़ के बनाई भी है और ये भी अच्छा प्लांट है, अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये बहुत अच्छी ग्रो हो जाता है सीड से। मिर्ची के प्लांट है अपने गार्डन में, मिर्ची का प्लांट ज़रूर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें ढेर सारे प्लांट हैं मिर्ची के जो जिसमें मिर्चियाँ लगती भी हैं और बहुत अच्छे से देखिए मिर्ची लगी है और बहुत छोटी है लेकिन बहुत कड़वी है मिर्ची। अपने गार्डन में मिर्ची का प्लांट लगा सकते हैं और इसमें ढेर सारे मिर्चियाँ लगती हैं और बहुत कड़वी मिर्ची है। ये देखिए प्लांट है, ये देखिए सब मिर्ची के ही प्लांट हैं, इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और ये बैंगन का भी प्लांट है, ये भी देखिए बैंगन लगा हुआ भी है। आप अपने गार्डन में बैंगन का प्लांट सब्जी का लगा सकते हैं। और ये लौकी का प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये देखिए। और इसमें काफ़ी लौकी लगती है, ये देखो छोटी छोटी लौकी है, ये देखिए। ये सारी सब्जियां और सारे फल आप अपने ग्राउंड में या छत पे या टेरेस पे कहीं भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और बहुत अच्छे से ये सब्जियां बीज से ग्रो हो जाती हैं। ये कुछ प्लांट सीड से मैंने लेमन के ग्रो किए हुए हैं, देखिए आप भी अपने घर में इस तरीके से सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मेरा लेमन का 7-8-10 साल का पुराना ये प्लांट हो गया है, उसमें बहुत सारे नींबू के प्लांट लगते हैं, नींबू प्लांट है, इसमें बहुत सारे लेमन लगते हैं, नींबू लगते हैं, ये देखिए लगे हुए हैं काफ़ी बहुत अच्छे से, ये देखिए और ढेर सारे अभी लगे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है, देखिए ये देखिए, और कुछ नीचे ग्राउंड में भी देखिए पड़े हुए हैं। और ये नींबू का प्लांट जब से लगा हुआ है तब से बाज़ार से नींबू खरीदना नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें रस बहुत होता है और एक एक नींबू बहुत अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो किया है
और ये बहुत पुराना प्लांट हो गया है। ये देखिए आप अपने गार्डन में इस तरीके से नींबू का प्लांट ज़रूर लगाएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।